बीते 4 दिनों से आप अनशन पे बैठे हुए, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो आप लोग सब जानबे करते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। पहला धोखा आईजीओटी किए वहाँ पर, दूसरा धोखा विश्वविद्यालय में डीसी साहब कर दिए। रजिस्ट्रार साहब को ऑफिस में जो बातचीत हुई उस पर भी साहब खड़ा नहीं उतर रहे हैं। अब कहते हैं मैं आप लोग का नामांकन 21 में लूँगा। अब आप ही लोग बताइए, हम पैट में पास किए हैं, 20 में हमारा नामांकन लेंगे 21 में? यहाँ 20 की बात हो रही है, वो कहते हैं 21 में। 20 की बात करना चाह ही नहीं रहे हैं। और बात यह है कि कल मुझे जबरन हॉस्पिटल भेजा गया डॉक्टर साहब के द्वारा, जब तो उसके बाद मैं वहाँ से भाग कर फिर धरना स्थल पर आ गया तो मेरा बैनर फेंका हुआ मिला। फिर मैं सबको बनवाया छात्र नेताओं के द्वारा, उसके बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर ना ही कोई पदाधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए, ना कोई कर्मचारी देखने आए कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, और ना ही कोई मेडिकल टीम मेरे ट्रीटमेंट के लिए आए, जांच करने के लिए आए। अभी तक कोई नहीं, सिर्फ मीडिया कर्मी के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं मुझसे मिलने के लिए आया। और आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप यहाँ देख लीजिए कि कोई मेरे आस पास कहीं हैं? जहाँ तक यहाँ जो गार्ड बैठे हुए हैं वो एक दो बार हमको देखने की जरूर आए हैं इंसल्ट के नाते, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आपको कुछ आश्वासन मिला होगा ना? मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। छात्र नेताओं को आश्वासन मिलता रहा है कि उनसे आंदोलन को तोड़ देने के लिए, मेरे जो साथी थे जो तोड़कर चले गए हैं उनको कह रहे हैं तोड़ देने के लिए। मेरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है आंदोलन तोड़ने के लिए। कैसा दबाव बनाया जा रहा है? मेरे रिश्तेदार पर दबाव बनाया जा रहा है आंदोलन तोड़वाने के लिए। आप उसको कहिए, जो मेरे संपर्कित लोग हैं वो उनसे मिले, उनको कहते हैं कि आप आंदोलन तोड़वा दीजिए, 21 में इनका नामांकन मैं करवा दूँगा। आप जो है जो गलती हो गया है उसको सुधारा तो जा सकता है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समझ का नामांकन 21 में करवा दूँगा, आप लोग उन पर भरोसा रखिए। मैं भरोसा कैसे रखूँ? 2 माह से मेरे भरोसा का छलनी छलनी कर दिया, तो फिर मैं किस जगह पर भरोसा रखूँ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनोज कुमार पैट। सब्जेक्ट क्या है? 0390 रोल नंबर हिस्ट्री डिपार्टमेंट।